मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित अन्य महाविद्यालयों के छात्र प्रतिपूर्ति के साथ पिछली कक्षा में 65% अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता के विरोध में समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष गवीश दुबे के नेतृत्व में छात्रों ने कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी की और पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति दिए जाने की मांग की। इस दौरान आशुतोष तिवारी, राहुल यादव, सत्येंद्र यादव, हिमांशु राम त्रिपाठी, पवन कुमार पांडे, शिव को शंकर गौड़, विपुल राय, अभय उपाध्याय आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर में संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष गवीश दुबे ने कहा, गवीश दुबे नाम है, छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हूँ। ये मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, दोनों विश्वविद्यालयों में छात्रों के छात्र प्रतिपूर्ति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। छात्रों को ये बांधा गया है कि आप 65% नंबर पाएंगे तो आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी, 55% नंबर पाएंगे तो आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी। उसके खिलाफ़ ये समाजवादी छात्र सभा गोरखपुर के नौजवान आज सड़क पर उतरा है। कमिश्नर महोदय के माध्यम से कुलाधिपति महोदय को हम लोग ज्ञापन देने का काम आज कर रहे हैं। अगर छात्र प्रतिपूर्ति की जो पुरानी व्यवस्था है उसको बहाल नहीं किया गया तो समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर के संघर्ष करेंगे और जब तक वो बहाल नहीं होगा तब तक लगातार संघर्ष करते रहेंगे।